नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, हर साल आपको देते हैं तो पिताजी ने कहा था कि जरूर जाना। चलिए। और सब लोग ठीक है? सब ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? आप हमारी फैमिली डॉक्टर है ना। और मुझे तो बचपन में आपसे बहुत कुछ खेलता भी था आपके साथ। आज आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? दरअसल बात ये है डॉक्टर कि मैं जवान हो चुका हूँ। और आपको तो पता ही है कि हमारा घर है, और एक ही घर है, और फैमिली थोड़ी सी बड़ी है। मेरी बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है। कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, मैं एक सेक्सुअल डॉक्टर हूँ, आप मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं बेझिझक। बताइए क्या बात है। तभी तो आप ही के पास आया हूँ। डॉक्टर, मेरा जो लिंग है ना, वो रात को खड़ा होता है और सुबह तक खड़ा रहता है। और एक बार खड़ा हो जाए ना, फिर नहीं बैठता। और बिना वजह, पता नहीं क्यों, कुछ भी, मतलब कोई वजह भी नहीं है, खामखा। देखो, तुम उम्र के जिस पड़ाव पर हो, अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब वो जवान होते हैं तो उनके लिंग में तनाव आता ही है। अच्छा एक बात बताओ, अब तो तुम्हारे लिए इस प्रॉब्लम का एक समाधान है। क्या? कि या तो तुम घर में जो फैमिली मेंबर हैं उनसे अलग सोया करो, क्योंकि इस उम्र में एक लड़का एक लड़के को भी साथ नहीं सोना चाहिए, एक लड़की और एक लड़की को भी साथ नहीं सोना चाहिए। क्यों? और तुम्हारी तो फैमिली इतनी बड़ी है, सबके बीच में सोना, क्योंकि इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है कि लिंग में तनाव आ जाता है, क्योंकि जब बच्चा जवान होता है तो ये सिम्टम्स होते हैं कि हाँ वो जवान हो रहा है। और एक दूसरे के साथ सोने में, यानी भाई के साथ सो रहे हो या चाचा के साथ सो रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी एक दूसरे से टच करती है, जिसमें एक सेक्सुअल भावना अंदर जागृत होती है, जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसीलिए आजकल बच्चों को अलग रूम दिए जाते हैं कि वो अलग सोए, ताकि वो उनकी बॉडी किसी से भी टच ना हो सके। तो तुम्हें या तो अलग सोना चाहिए बिल्कुल रूम, अगर अलग जगह नहीं है तो अपने ही घर में अपनी चारपाई को उन लोगों से थोड़ा दूर करके सोइए। अच्छा एक सलूशन और है, तुम शादी कर लो। शादी? डॉक्टर मैं भला शादी अभी कैसे कर सकता हूँ, अभी तो मेरी बड़ी बहन है और अभी तो मेरी स्टडी खत्म हुई है, अभी कोई जॉब भी नहीं है, मैं भला कैसे। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन इन सब बातों के लिए बस यही एक सोल्यूशन है, बाकी कोई नहीं, शादी या एकांत में सो जाके अकेले में। हाँ ये मैं कर सकता हूँ कि एकांत में सो जाऊँ। डॉक्टर एक दिन तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो क्या? कुछ गेस्ट हमारे घर में अचानक आ गए। और उन गेस्ट के अचानक आने की वजह से, आपको तो पता है कि घर हमारा छोटा सा। हाँ। पिताजी जिस बेड पे सो रहे थे उसी बेड पे मैं भी सो गया। अब सो तो मैं गया, वही प्रॉब्लम, मेरा लिंग उत्तेजना बढ़ी जब मेरे साथ कोई सो रहा था। हाँ। बॉडी से बाद में पता चला कि ये पिताजी मेरे साथ सो रहे थे, और कुछ मेरी तरफ से ऐसी हरकत हुई कि मुझे सुबह उठ के उनसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था, बहुत ही शर्मिंदगी मुझे महसूस करनी पड़ी। ऐसा होता है, तभी मैंने तुम्हें कहा कि इसका एक ही सलूशन है, तुम फैमिली से अलग सोया करो, जो भी हो थोड़ा डिस्टेंस रखो और हमेशा कपड़ा ओढ़ के सो। अब डॉक्टर एक दिन तो मैं छत पर जाके सो गया, गर्मियों के दिन थे और मैं सो गया, और आपको तो पता है कि हमारे आस पड़ोस की छत है, सब सुबह सुबह जल्दी उठ जाते। अब मैं हाफ निकल में लेटा हुआ था, अब देख रहा हूँ कि मेरी बगल में मम्मी पापा भाई छोटा भाई सब लेटे हुए, और मेरा लिंग ऐसे यूं एकदम तना हुआ था। इसका एक ही सलूशन, उन सब ने मुझे देख लिया था इस अवस्था में। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अब एक ही सलूशन है, या तो आप टाइट कपड़े पहने,
टाइट कपड़ा पहनने के में आपका ये सोल्यूशन हल हो सकता है, या फिर भाई आखिरी एक सोल्यूशन है आप शादी कर डालो, क्योंकि शादी के बाद ही ये प्रॉब्लम कम होती है। शादी का तो अभी सवाल ही नहीं उठता, बस या तो मुझे अकेले ही सोना पड़ेगा, या जैसे आप कह रहे कि टाइट कपड़े या लंगोट। हाँ, कुछ भी ऐसा जिससे आप कंफर्ट हो। कंफर्ट हो। तो डॉक्टर ये कब तक चलता रहेगा मेरे साथ? ज़्यादा टाइम नहीं, ये 2-4 साल के ड्यूरेशन में ऐसा हो जाता है। ठीक है, आप परेशान ना हो। अरे परेशानी का तो क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, अब आपसे क्या छुपाना। जिस दिन मैं छत पर पूरी फैमिली के साथ सो रहा था, माँ ने मुझे अकेले में बुलाया और अच्छा। पता है क्या कहा? बेटा तुम्हारी बहन जवान हो रही है, तुम्हारे जवान भाई बहन होते जा रहे हैं, बेटा सही तरीके से सही से सोया करो। उन्होंने मुझसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहा और बहुत कुछ कह दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। जानती हूँ। और डॉक्टर बस, और एक दिक्कत और हो रही है। क्या? आजकल पता नहीं क्यों स्वपन दोष भी हो जाता है। कई बार मैं देखता हूँ कि मेरा निक्कर सुबह गीला हो जाता है। ओ, ये क्यों हो रहा है? जब बच्चा जवान होता है और उसे सेक्स करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, क्योंकि उसके लिए उस वक्त सेक्स करना ज़रूरी भी हो जाता है, और इस अवस्था में आके सेक्स कर भी लेना चाहिए। कई लोग तो अवैध संबंध बना लेते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। एक बस उसका एक ही सलूशन है कि उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। कुछ लोगों को एक एज में आके ये प्रॉब्लम होती है, कुछ को नहीं होती। इसमें कोई घबराहट नहीं? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा। हर चीज़ का इलाज है। ठीक है, मैं समझ गया आप आपकी बात। हाँ, मेरे जहन में आ गई। एक तो रात को सोते वक्त टाइट कपड़े पहनने चाहिए, पहने चाहिए। थोड़ा दूर 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 से, थोड़ा सा दूर सेपरेट, अकेले सो। बिल्कुल। और तीसरा, अगर रात को मेरा स्वपन दोष हो तो उसमें कोई घबराने कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है। ठीक है डॉक्टर, मैं तो घबरा ही गया था। और एक बार फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हें भी धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू।